अगर बीमारी की वजह से 3 रोजे छूट गए, अब क्या हुक्म होगा? बस ईद के बाद में जब उनको सेहत हो जाए तो उसके बाद में कजा की नीयत करके उसको रखें, और ये नीयत करें बाजाबता कि मैं मुतलक कर लें कि मैं अपनी जिंदगी का वो रोजा कजा करता हूं जो मेरा जिंदगी में पहले कजा हुआ या जिंदगी के आखिरी में कजा हुआ, उसके बाद 3 रोजे वो रख ले। बल्कि मेरा मशवरा यह है, देखिए कभी कभी क्या होता, ये हमने अपनी जिंदगी में एक बार नहीं कई बार देखा, जिस जमाने में टीवी वगैरह नहीं थे तो ये रेडियो पाकिस्तान से ये खबर नशर होती थी, तो एक मरतबे बहुत पहले खबर नशर हो गई, कहीं सारण बजता है तो 1-2 मिनट पहले बज गया, ऐसे कई मामलात हुए कराची में। तो एक तो ये कि जरा सा सबर कर लिया जाए, यकीन हो जाए, घड़ी देख लें, कैलेंडर देख लें, अब तो बहुत सहूलत है सूरज गुरूब होने का, अच्छी तरीके से यकीन हो जाए तब रोजा जो है वो इफ्तार करें। अब खुदा ना खास्ता को रोजा कजा हो गया, तब जो भी नफल रोजा रखें उस रोजे में फर्ज रोजे की कजा की नीयत करें, उसका फायदा क्या होगा? कोई आपके जिम्मे कजा रोजा अगर फर्ज हुआ तो वो अदा हो जाएगा, और अगर फर्ज नहीं हुआ तो नफल पास खुद हो जाएगा वो।